सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को मोहनलालगंज से जीत दिलाने और एक रिकॉर्ड दर्ज कराने वाले अमरेश कुमार रावत ने अपने क्षेत्र में अपना मोर्चा पूरी तरह से संभाल लिया है। उन्होंने अपने आवास पर जनता दरबार लगाना भी शुरू कर दिया है, जिसके चलते स्थानीय लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर अपने विधायक के पास पहुंच रहे हैं। और हाल ही में विधायक बने अमरेश कुमार रावत लोगों की समस्याओं को बखूबी निस्तारण कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्राइम टीवी की टीम ने अमरेश कुमार रावत, उनकी धर्मपत्नी से खास बातचीत की है, साथ ही जनता से भी कुछ सवाल पूछे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्गुण, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। जैसा कि आप जानते हैं, 2022 के विधानसभा चुनाव में मोहनलालगंज से बीजेपी की दावेदारी कर रहे थे अमरेश कुमार रावत, जिन्होंने यहां पे जीत दर्ज कराकर एक रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। अब अमरेश कुमार रावत यहां की विधायकी संभालने वाले हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि 1974 से यहां इस सीट से किसी ने भी बीजेपी की कोई दावेदारी नहीं कर पाए थे, बीजेपी अपनी पैठ नहीं बना पाई थी। फिलहाल अमरेश कुमार रावत ने यहां पर जीत दर्ज करा दी है और अपना एक रिकॉर्ड बना लिया है। इस वक्त हमारे साथ में अमरेश कुमार रावत मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि अब जो विधायकी का दौर उनका चला है तो किस तरीके से वो अपने विधायकी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो आइए बात करते हैं अमरेश कुमार रावत जी से। तो अमरेश जी, ये बताइए कि अब फाइनली आपको अपनी विधायकी का टिकट जो आपने लड़ा था वो आपको मिल चुका है, अब आप किस तरीके से अपनी पारी की शुरुआत कर रहे हैं? हमने शुरुआत करेंगे, जो भी हमारे क्षेत्र की जनता का सहयोग मिला है, सब लोगों ने मिल करके चुनाव को जिताने का काम किया है, मैं सबसे पहले उन लोगों को आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि हमने चुनाव में वादा किया था लोगों से कि हम आपके बीच में विधायक नहीं, भाई और बेटे के रूप में रहेंगे और आपके बीच में 24 घंटे उपलब्ध रहने का काम करेंगे। जो भी मैंने वादे किए थे, एक कन्या डिग्री कॉलेज बनाने का, उसका सबसे पहले प्रस्ताव मैं बनाऊंगा। कन्या डिग्री कॉलेज हमारे क्षेत्र में होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बहन बेटियों को दिक्कतें होती हैं शिक्षा के लिए। उसके बाद जो भी रोडें हमारी खस्ता हाल पड़ी हैं, सभी रोडों को बनवाऊँगा। और जनता के बीच में जो भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी और संगठन के जो भी साथी लोग रहे हैं, उन सबके बीच में मित्रवत सारी चीज़ों को पारदर्शिता के तौर पर रखते हुए सारे काम करेंगे। उनको ये नहीं एहसास होगा कि वो स्वयं खुद विधायक नहीं है। ये मेरा अच्छा अमरीश जी, ये बताइए कि जिस तरीके से लोगों की एक जनता दर्शन सब लोग शुरू कर देते हैं, हर जगह जनता दर्शन लगाते हैं, उस तरीके से आपने क्या शुरुआत की जनता दर्शन की कि लोगों की जो समस्याएं हैं, लोग समस्या लेकर आपके पास आ रहे हैं? हमारे क्षेत्र में दो ब्लॉक हैं, दोनों ब्लॉकों में एक एक कार्यालय बनाने का मैंने वो मन बना लिया है, लोगों से बोल भी दिया है, अभी तैयारी नहीं हुई, 10-15 दिन में तैयार हो जाएगा। जहाँ पे डेली जनता दरबार लगेगा, हमारे साथीगण रहेंगे, हम मौजूद रहेंगे और उनकी समस्याओं को सुन करके समस्याओं का निस्तारण कराने का काम करेंगे। और प्रत्येक महीने में मेरा प्रयास रहेगा, जो भी अधिकारीगण हैं उनसे भी एक मेरी बैठक हो, मीटिंग हो, और उनको मैं ये बता सकूं कि क्षेत्र में हमारे किसी भी जनता को कोई तकलीफ ना होने पाए, ये मैंने जिम्मेवारी लिया है और आपको ये निभाना पड़ेगा बहुत ईमानदारी से, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईमानदारी से काम करती है, इसलिए आप सबको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। कुछ कर्मचारी और अधिकारी ऐसे रहे हैं कि उनको ये लग रहा था कि काम सही ढंग से हम ना करें, सरकार की बदनामी हो, इसलिए बहुत जनता को पिछले समय में परेशानियां हुई हैं। उनको लग रहा था कुछ लोगों को कि सरकार सपा की आएगी, तो उस हिसाब से काम कर रहे थे, लेकिन अब सबको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम जैसे भी मेरे पास शिकायत आएगी वैसे मैं आपको खड़ा कर दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर वो सब भावनाएं नहीं हैं कि आप गलत तरीके से काम करिए, जनता मेरी परेशान हो। जिस तरीके से एक खुशी का माहौल है कि आज़ादी से लेकर के अब तक की भारतीय जनता पार्टी की इस क्षेत्र में एंट्री नहीं हुई थी, विधायक नहीं हुआ, उसी तरीके से इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद मैं एक संदेश देना चाहूँगा इस क्षेत्र की जनता के द्वारा कि बहुत अमन चैन से रहे जनता हमारी और बहुत खुशहाल रहे, उनके प्रत्येक काम को मैं पूरा करूँ,
ताकि एक संदेश दूर तक जाए कि बहुत अमन चैन है हमारे विधानसभा में, जो आज़ादी से लेकर के अब तक नहीं रहा वो इन 5 सालों में पूरा करने का मैं काम करूँगा। अमरीश जी, जिस तरीके से अभी बीजेपी ने एक वो निकाली है कि अभी जो इलेक्शन में जिन्होंने अपनी जीत दर्ज हासिल नहीं की है उन्हें मंत्री पद नहीं दिया जाएगा, इस पर आपका क्या कहना है? ये संगठन का मामला है, वो संगठन हमारा भारतीय जनता पार्टी, हमारे बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी लोग हैं, वो विचार करेंगे, उस पर हमारा कोई वो नहीं है किसको वो मंत्री बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे, क्योंकि बहुत विद्वान साथी हमारे संगठन में हैं, पार्टी में हैं, वो अपने विवेक से जो अच्छा करेंगे वो अच्छा होगा। तो आपने भी उस मंत्री पद की रेस में शामिल हुए हैं या नहीं? नहीं, हमारा कुछ नहीं सोचना, हमें जो जिम्मेदारी मिली है एक विधायक के रूप में, हम उसको बाखूबी निभाने का काम करेंगे, हमें किसी प्रकार की और वो नहीं है। संगठन हमारा जैसा अच्छा चाहेगा, जो भी जिम्मेदारी देगा हम उसको निभाने का काम करेंगे, बाकी हमारे अंदर ना मैंने कहीं डिमांड की, ना मुझे ऐसे मेरे मन में है, ना मेरे दिल में है कि मंत्री मैं बनूं, ये कुछ नहीं, मुझे जो जनता ने विधायक बनाया है ये मेरे लिए बहुत पर्याप्त है जी। अब होली नज़दीक ही है, इस होली पर आपकी तरफ से क्या विशेष व्यवस्था रहेगी? व्यवस्था मेरी तरफ से रहेगी, लोगों को मैंने कई राउंड बात भी की है अपने साथियों से कि मेरे क्षेत्र में सभी लोग ये खुशी का त्यौहार मनाएं, रंग और होली का मिलन का, जो एक दूसरे से दिल मिलाएं, खुशी से रहें, प्रेम भाव से, वैमनस्यता छोड़ करके, विरोध छोड़ करके आपस में भाईचारा कायम करें और खुशी का त्यौहार मनाएं, ना कि नशे की चपेट में जैसे लोग उमंग में आ जाते हैं होली के त्यौहार में, सबसे ज़्यादा नशे में वो लोग, कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं चोटिल होते हैं, वो अकेले ऐसा काम करते हैं और परिवार घर पे खुशी के माहौल में बैठा होता है, वो गम में पड़ जाता है, कहीं एक्सीडेंट हुआ, पैर टूटा, हाथ टूटा, उनका पूरा परिवार त्यौहार से बेदखल हो जाता है, परेशानी में पड़ जाता है। हम अपने क्षेत्र के वासियों से हाथ जोड़ के इस विषय में विनती है कि सभी लोग खुशी से त्यौहार मनाइए और नशे में त्यौहार न मनाइए, आप अपनी नहीं अपने परिवार की चिंता करके त्यौहार मनाएं, क्योंकि आपको कोई दिक्कत होती है आपका परिवार, बेटी बेटा, बीबी भाई, माँ बाप, सब लोग परेशान होते हैं, उनकी चिंता करते हुए कोई भी नशे की उमंग में इधर उधर घूम करके त्यौहार न मनाएं और खुशी का त्यौहार खुशी जैसे मनाएं और भाईचारा कायम करने की कोशिश करें। और इस वक्त हमारे साथ अमरेश कुमार रावत जी की धर्मपत्नी जी भी हमारे साथ पर हैं, उनका क्या कहना है बताइए। मतलब आप अपनी खुशी तो जाहिर कर सकती हैं। अपार खुशी है, अपार, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आपने सोचा था कि इस तरीके से कि पहली बार ये ऐसे विधायकी का चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे? मैं क्षेत्र में निकली तो ये दिल में थान के निकली थी। अच्छा। कि बिना विधायक बनाए जी पीछे नहीं हटूंगी जी, क्षेत्र की जनता से हर संभव हमने प्रयास किया जी, हाथ जोड़ के विनती भी किया और जहां मेरे विधायक जी किस तरीके से मेरे मंत्री जी की कमी थी जी, वो मैंने हाथ जोड़े विनती की कि उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अमरेश कुमार रावत जी के यहाँ पे जनता दरबार की शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते यहाँ पर लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आने लगे हैं। इस वक्त हम लोग अमरेश कुमार रावत जी के जनता दरबार में हैं, जहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं। उन लोगों से जानेंगे कि किस तरीके की समस्याएं लेकर वो यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। तो सीधे बात करते हैं, यहाँ पर हमारे साथ एक मैडम मौजूद है, क्या नाम है आपका? श्याम प्यारी लोधी, मंडल अध्यक्ष नगराम जी। आज आप ये है कि जिस तरीके से अब यहाँ पे अमरेश कुमार रावत जी की जनता दरबार लग रहा है, तो आप क्या चीज़ें क्या समस्याएं लेके आई हैं यहाँ पे? समस्या तो कोई लेके नहीं आए, हम तो बधाई देने के लिए आए थे जी। लेकिन जिस तरीके नगराम वहाँ पर मोहनलालगंज विधानसभा में खुशी का माहौल है, आज़ादी से आज तक वो सीट कभी जीती नहीं गई और पहली बार वहाँ पे कमल खिला है और वहाँ पे जो हमारे बीच में हमारे विधायक आए हैं इतने सरल स्वभाव के हैं, और क्षेत्र में भी जाते थे तो कहते थे हम विधायक नहीं तुम्हारे बेटे और भाई के तरीके हैं और यही बेटे और भाई के तरीके ही रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे। तो उनका बहुत मन था कि अगर हम जीत जाएंगे तो आप लोगों की सेवा करेंगे, और जनता की बहुत अपेक्षा है हमारे विधायक जी से कि वो हमारे लोगों की जो सेवा के लिए वादा किए उस पर खरे उतरेंगे। आप क्या चाहेंगी और क्या चीज़ें होनी चाहिए एक विधायक के तौर पर, क्या
उनके हिसाब से, मतलब कि एक क्षेत्र में क्या काम होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा रहा है गंगागंज और नगराम मार्ग, और एक रोड है खुजौली और नगराम मार्ग, जिसका बहुत बड़ा मुद्दा रहा। चुनाव से पहले भी लोगों ने कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं, लेकिन फिर हम लोगों ने कहा कि हमारा विधायक बनाइए और ये रोड भी बनेगी। तो माननीय विधायक जी ने हमारे प्रत्याशी जब थे, मतलब चुनाव नहीं जीते थे, उससे पहले ही वादा किया था कि हमें जिता करके लाओ और ये समस्या का समाधान रोड का हम करेंगे और बनवाएंगे। अच्छा, आप एक महिला हैं तो सुरक्षा को लेके भी, क्योंकि महिलाओं के संबंधित आप क्या चाहेंगी कि किस तरीके की महिलाओं को लेकर यहाँ पर और भी चीज़ें होनी चाहिए? महिलाओं को लेकर के विशेष तौर एक चीज़ है शिक्षा को लेकर के हमारे वहाँ, क्योंकि हमारे मोहनलालगंज विधानसभा में डिग्री कॉलेज नहीं है। अगर बेटियों के लिए एक डिग्री कॉलेज बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। और हमारी सरकार में महिलाओं को लेकर के बहुत सारी जो सुरक्षा व्यवस्था है बहुत अच्छी है। रात के 12 बजे 1 बजे कहीं भी हम लोग आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से। आपका नाम क्या है? दीप नारायण गुप्ता। दीप नारायण जी, आज आप यहाँ पर जनता दरबार में आए हैं तो क्या समस्या लेकर आए थे? मैं आदरणीय विधायक जी को बधाई देने आया था और उनसे कुछ हमारी अपेक्षाएँ थी, जो उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी कि जैसे ही हम जीतेंगे और हमारी संगठन का हमारी सरकार का गठन होगा तो सबसे पहले हम नगराम गंगागंज मार्ग, एक महिला डिग्री कॉलेज और हॉस्पिटल में जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, स्टाफ नहीं है, वो जितनी जल्दी हो सकेगा हम इनको तुरंत जनता के लिए मुहैया कराएंगे। ये कब से शुरू हो पाएगा, किस तरीके की जो अभी आपकी चर्चा हुई है, जो बात हुई है, तो कब से ये चीज़ें, ये कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे? ये हमारी सरकार का गठन हो जाए, शपथ हो जाए, हमारे विधायक जी किसी चीज़ के लालच में नहीं है, वो बस यही चाहते हैं कि किसी तरह सरकार का कार्य शुरू हो, हम जनता का कार्य शुरू कर दें। तो आप संतुष्ट हैं यहाँ इनके जो इन्होंने कहा है आपसे? हमारे जनता दरबार में इतने भाई लोग हैं और इनमें हमें नहीं लगता है कि विधायक जी किसी के लिए, बस विधायक जी का एक कहना है कि कोई भी कार्य अवमाननीय ना करें, वहाँ पे हम हमेशा सदैव उपलब्ध हैं। यहाँ पर जनता दरबार आप देख ही रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जनता दरबार लगा हुआ है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपनी बातों को लेकर, अपनी समस्याएं रख रहे हैं कि क्या उनकी समस्याएं हैं, सब अपने विधायक को बधाई देने आए हैं, साथ ही साथ अपनी बातें रखने आए हैं कि उनके क्षेत्र में क्या क्या विकास होना चाहिए, किस तरीके से विकास होना चाहिए। तो सब ने अपनी अपनी चीज़ें रखी हैं और लगातार अब ये कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन रश्मि के साथ मैं श्वेता गर्ग, प्राइम टीवी लखनऊ। निर्वाचित विधायक अमरेश कुमार रावत से आपने हमारे संवाददाता की बातचीत सुनी, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।